ओम श्री परमात्मा नमः। मैं प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थी अपने परम पूज्य गुरु जी वेद मूर्ति तपोनिष्ठ गीता उपनिषद और पुराण एवं धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ प्रोफेसर पंडित भगवत शरण शुक्ल जी के साथ मैं आप सभी का अवस्थी से आयुर्वेद एनाटॉमी योग एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम लोग गीता के 18वें अध्याय में हैं और अब भगवान गीता के महात्म्य और उसके संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। तो अब गुरु जी के श्री मुख से सुनेंगे कि भगवान क्या उपदेश दिए हैं। तो हम लोग चलते हैं गुरु जी की ओर। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुवाहवे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जनगण एवं इस चैनल के संस्थापक तथा प्रबंधक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, गीता ज्ञान यज्ञ में आप सभी का स्वागत है। हम लोग 18वें अध्याय के अंतिम चरण पर विचार कर रहे हैं और आज भगवान विशेष रूप से कहते हैं कि शास्त्र की बातों का अधिकार सभी को नहीं होता है। अधिकारी व्यक्ति किसी भी विषय का वही होता है जो उस ज्ञान को अत्यधिक सम्मान दे करके और उसको आत्मसात कर सके। इसलिए भगवान यहाँ पर कहते हैं कि जो गीता का ज्ञान यज्ञ अर्जुन आपको दिया गया है उसको आप ऐसे प्रेमवश या किसी भी रूप में आप भावुक हो करके ऐसे ज्ञान को मत दे दीजिएगा, क्योंकि अनधिकारी व्यक्ति उसका दुरुपयोग या अपमान ही करेगा, उसका सम्मान या सदुपयोग नहीं कर सकता है। इदं ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचनो न चा शुश्रूषवे वाच्यम न च माम योभ्यसूयति। भगवान ने कहा है गीता का उपदेश किसको नहीं करना है। तो पहला है न अतपस्काय, जो तपश्चर्या नहीं किया है, जिसने किसी भी प्रकार का धर्म के लिए, शास्त्र के लिए, अपनी भारतीय संस्कृति के लिए जिसने कष्ट नहीं सहा, जिसने परमात्मा के प्रति सर्वतोभावेण समर्पित नहीं है, ऐसे व्यक्ति को यह गीता ज्ञान यज्ञ नहीं कहना है। न अभक्ताय, जो परमात्मा का भक्त नहीं है उसको तो कदाचन न कथनीयम, कथमपि उसको नहीं बतलाना है, क्यों, वह व्यक्ति उसका अपमान ही करेगा, वह उसका सम्मान नहीं कर सकता है, अपनाना तो दूर रहा। दूसरा भगवान ने कहा न च आश्रुषवे, ऐसा व्यक्ति जो सुनना ही नहीं चाहता, उसको सुनने की उसकी इच्छा नहीं है, आप जबरदस्ती को सुनाना चाहते हैं वो ठीक नहीं है। न च अश्रुषवे, जो श्रोतुम इच्छा यस्य नास्ति, जो सुनना ही नहीं चाहता है, तो जो सुनना ही नहीं चाहता जबरदस्ती को आप सुनाओगे भी तो उसको मानेगा नहीं वो, तो उसलिए भी न वाच्यम, उसको भी नहीं कहना। दूसरे भगवान कहते हैं न च माम यो अभ्यसूयति, जो हम अर्थात भगवान से ईर्ष्या करता है, द्वेष रखता है, तो जब ईश्वर से ही द्वेष करता है तो ईश्वर की बात को क्यों मानेगा वो, इसलिए उसको भी नहीं कहना। न च माम यो अभ्यसूयति, जो भगवान की निंदा करता है, भगवान से ईर्ष्या करता है, भगवान को में दोष देखता है, ऐसे व्यक्ति को भी यह गीता ज्ञान को नहीं कहना है, क्योंकि वो उसको मानेगा नहीं, तो आपका जो देना है, जो उसको उसके प्रति जो आपकी भावना बन रही है वो उसका पालन नहीं कर सकता है, इसलिए ऐसे लोगों को गीता का ज्ञान नहीं देना। तो किसको देना है,
भगवान कहते हैं यह इमं परमं गुह्यं मद भक्ते स्वभिधास्यति भक्ति मई पराम कृत्वा मामे वेश्यत्य संशयः। जब इतना पहले बताया गया तो कोई ऐसा सोच सकता है अब हम किसको ढूंढें कि कौन कैसा है, इससे अच्छा किसी को न दिया जाए, ये भी तो ठीक है। अब किसको ढूंढें कि ये तपस्वी है, ये भगवान का भक्त है, ये सुनना चाहता है, ये भगवान से द्वेष नहीं रखता है, तो ऐसे सबका एक एक का परीक्षण करें। और जब एक एक का परीक्षण करेंगे तो तब पता चला शायद कोई मिले या ना भी मिले, तो इतना परिश्रम क्यों किया जाए। इससे सबसे अच्छा है कि किसी को गीता ज्ञान ये कहना ही न जाए। भगवान कहते हैं ऐसा मत करिए, क्योंकि गीता ज्ञान यज्ञ को अगर योग्य पात्र को उसका उपदेश करते हैं उसको आपका महालाभ होने वाला है। क्या लाभ है? यह इमं परमं गुह्यं मद भक्तेषु अभिधास्यति, जो मेरे भक्त हैं उनको इस परम गुह्य ज्ञान को जो प्रदान करता है, उनमें स्थापित करता है, उस गीता ज्ञान के को उनके अंदर समावेशित कर देता है। तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है? मई पराम भक्तिम कृत्वा, मेरे प्रति उसकी परम भक्ति बनती है, और फिर ऐसा व्यक्ति जो है वो मुझको ही प्राप्त, माम एव एष्यति असंशयः, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है कि वो मुझे ही प्राप्त करता है। तात्पर्य है कि गीता का रहस्य अगर किसी भक्त व्यक्ति को आप उसको प्रदान करते हैं, उसके संपूर्ण शंकाओं का निवारण करके उस गीता ज्ञान यज्ञ को या गीता के ज्ञान को उसके अंदर समावेशित करते हैं, तो भगवान की जो है वो पराभक्ति होती है। मई पराम भक्तिम कृत्वा, ये गीता ज्ञान यज्ञ को देना भी भगवान की पराभक्ति है, और जो पराभक्ति को प्राप्त कर लेता है वो निश्चित रूप से उस परमात्मा को प्राप्त करता। भगवान कहते हैं असंशय, असंशय माने बिना कोई संशय नहीं है, माम एवेश्यति, मुझको ही प्राप्त करता है। आगे भगवान कहते हैं न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन मे प्रीकृतमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो कुवि। भगवान कहते हैं कि मनुष्येषु न च तस्मात् कश्चिन मे प्रियकृतमः वर्तते, जो व्यक्ति दूसरे भक्त व्यक्ति को गीता ज्ञान ज्ञान को प्रदान करता है, भगवान कहते हैं तस मनुष्येषु, मनुष्यों में तस्मात् न च कश्चिन मे प्रियकृतमः, वो मेरा सबसे अधिक प्रिय करने वाला, उससे अधिक प्रिय करने वाला मेरा कोई नहीं। न च मे तस्मात् अन्यः भविता, तो तस्मात् अन्यः प्रियतरः भुवि च न मे भविता, भगवान कहते हैं कि उससे अधिक प्रिय जो है, अत्यधिक प्रिय इस पूरे पृथ्वी में मेरे लिए कोई दूसरा नहीं उत्पन्न होगा जिसने इस गीता ज्ञान यज्ञ को मेरे भक्तों के अंदर प्रवेश करा देता है, उनको उस गीता ज्ञान यज्ञ से पूर्ण उसे परिचित करा देता है। तो ये गीता ज्ञान यज्ञ के प्राप्त, गीता ज्ञान को प्राप्त करने का, उसका आराधना करने का, उसके बतलाने वाले को भगवान की इतनी बड़ी कृपा होती है। और भगवान कहते हैं कि जो इस गीता ज्ञान यज्ञ को किसी दूसरे को प्रदान करता है या स्वयं अध्ययन करता है या जो सुनता है, वो सब के सब उस परमात्मा के प्रति समर्पित होते हैं। अध्येष्यते च यः इमं धर्म्यं संवादम आवयोः, आवयोः धर्म्यं संवादम, आवयोः अर्जुन कृष्णयोः, कृष्ण अर्जुनयोः, तो कृष्ण और अर्जुन का ये संवाद रूप जो गीता ज्ञान यज्ञ है, इसका जो व्यक्ति अध्ययन करता है, पढ़ता है या पढ़ेगा, तो उससे क्या लाभ होगा? बहुत से लोग ग्रंथ पढ़ते हैं तो पढ़ने भर से क्या होता है? तो कहिए ऐसा सामान्य नहीं है, धर्म्यम, ये धर्म्य है। धर्म का मतलब क्या है? धर्म से युक्त है, धर्म में विशेषण याद दी गए, ये जो है साक्षात धर्म का, धर्म से ओतपुरुष, धर्म से युक्त है, अर्थात धर्म से विरुद्ध कोई भी बात इस गीता में नहीं कही गई है।
इसलिए ये धर्म से धर्म धर्मेण युक्तम धर्म्यम, तो ये धर्म युक्त संवाद हमारा है, हमारा अर्थात कृष्ण और अर्जुन का। और उससे क्या होता है, ज्ञान यज्ञेन तेन अहम इष्टः, जिसने इसका अध्ययन किया गया या अध्ययन करता है तो ज्ञान रूपी यज्ञ से वह हमारी आराधना करता है। भगवान कहते हैं उस ज्ञान यज्ञ से वह व्यक्ति हमारी आराधना करता है। तेन अहम इष्टः स्याम, मैं उसके लिए इष्ट होता हूं, ऐसा मेरा विश्वास है। इति मे मति, ऐसा मेरा विश्वास है। भगवान कहते हैं श्रद्धावान अनुसूयश्च श्रृणियादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान लोकान प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणः। जो श्रद्धावान व्यक्ति है, अनुसूयश्च अर्थात जिसको किसी भी प्रकार की किसी से भी ईर्ष्या नहीं है, किसी के द्वेष को दोष को देखता नहीं है, दोष दृष्टि रहित है, तो ऐसा जो व्यक्ति है यह नरः श्रृणुयात्, अगर वो गीता शास्त्र का श्रवण करता है सोपि मुक्तः, वो भी मुक्त हो जाता है। और पुण्य कर्मणाम शुभान लोकान प्राप्नुयात्, जिसको जो जिसको पुण्यात्मा लोग, जिस पुण्य कर्म करने वाले लोग जिस सुंदर लोकों को शुभ लोकों को प्राप्त करते हैं, उस शुभ लोकों को प्राप्त करता है इस गीता के ज्ञान को प्राप्त करने वाला जो श्रद्धा पूर्वक द्वेष दृष्टि रहित पूर्वक जो व्यक्ति इस गीता ज्ञान ज्ञान का श्रवण करता है, गीता शास्त्र का श्रवण करता है, वो सभी पापों से मुक्त होकर के और पुण्य उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त करता है। ये इतना इस गीता शास्त्र का इतना बड़ा महत्व है। भगवान आगे कहते हैं कि इसको सुनना कैसे चाहिए। तो कच्चिदेत श्रुतम पार्थो त्वयैक अग्रेण चेतसा कच्चिद अज्ञान सम्मोह प्रणष्टस्ते धनंजय। भगवान प्रश्न करते हैं, भाई इतने समय तक आपको हमने गीता बताया, तो प्रश्न ये होता है कि आपको जितनी बातें बताई गई हैं तो आप सुन तो रहे हो, परंतु सुनने की पहली शर्त क्या है। कच्चितेन श्रुतम पार्थ त्वया एकाग्रेण चेतसा, एकाग्र अंतःकरण से चित्त से किसी चीज को वस्तु को ज्ञान को सुनना चाहिए। उसको क्या आपने सुना, कच्चिद ज्ञान सम्मोह ते प्रनष्टः। भगवान कहते हैं हे धनंजय आप ये बताओ कि अज्ञान से उत्पन्न जो आपका मोह था, जिसके कारण आप प्रथम अध्याय में कह रहे थे विसृज्य सशरम चापम शोकशम विघ्नमानसः, हम जो है शोकशम विघ्न मन वाला होकर के आपने धनुष बाण को रथ के पीछे रथ में फेंक करके और रथ के पीछे जो आप बैठ गए थे, कैसी स्थिति आपकी, तो वो जो आपको अज्ञान जन्य जो सम्मोह प्राप्त हुआ था वो आपका नष्ट हुआ कि नहीं हुआ, नष्ट हुआ, ये प्रश्न है। क्योंकि जो ज्ञान है, ज्ञान का तात्पर्य है कि ज्ञान के प्राप्त करने पर अज्ञान को नष्ट होना चाहिए। अगर आपने ज्ञान प्राप्त किया, अज्ञान आपको नष्ट नहीं हुआ, तो इसका तात्पर्य है कि जो उपदेश आपको दिया उसको आपने आत्मसात उसको नहीं किया, इसलिए भगवान ने यह प्रश्न किया। अर्जुन कहते हैं कि प्रभो नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युतो स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। नष्टो मोह, हे प्रभो आपके उपदेश से मेरा मोह नष्ट हो गया। और मोह नष्ट होने से क्या हुआ, तत्प हे अच्युत तत्प्रसादात स्मृतिर्लब्धा, आपकी कृपा से मेरे जो स्मृति है वो नष्ट हो वो प्राप्त हो गई, स्मृति लब्धा स्मृति मुझे प्राप्त हो गई। तो आप इस समय कैसे हैं, तो कहा गत संदेह स्थितोस्मि, मेरे अंदर जितने भी संदेह थे सब समाप्त हो गए हैं और संदेह निवृत्ति हो करके मैं आपके सामने स्थित हूं। तो भगवान पूछते हैं भैया आप फिर युद्ध करोगे कि नहीं करोगे, क्योंकि आप क्षत्रिय हो, युद्ध भूमि उपस्थित हो,
तो ऐसी अवस्था में मुख्य कर्तव्य बन करता है धर्म युद्ध को करना। तो हम वो धर्म युद्ध करने के हम आपको पहले अध्याय से बता रहे हैं, तो आप उसको करोगे कि नहीं करोगे? अर्जुन कहता है करिष्ये वचनम तव, अब मुझे समझ में आ गया है कि अपने कर्तव्य कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, तो मैं क्षत्रिय हूं, मेरा कर्तव्य कर्म कौन है? तो युद्ध भूमि में अपने शत्रुओं का सामना करना और पूर्ण ज्ञान पूर्वक उनसे युद्ध करते हुए या तो विजय प्राप्त करना और या तो फिर जो है मृत्यु को वरण करना, अर्थात जो है वो वीर गति को प्राप्त करना। ये संपूर्ण कथानक जैसा आप सब जानते हैं ये कृष्ण अर्जुन संवाद है, परंतु कृष्ण अर्जुन संवाद को सुनाने का काम कौन कर रहा है और सुनने का काम कौन कर रहा है? तो सुनने का कार्य कर रहे हैं धृतराष्ट्र और सुनाने का कार्य कर रहे हैं संजय, जो उनके मुख्य सारथी रहे हैं और जिनको भगवान व्यास के द्वारा उत्तम दृष्टि प्राप्त हुई थी। वो एक स्थान में रहते हुए भी सुदूर जो युद्ध हो रहा है कुरुक्षेत्र में उसको भी पूर्ण रूप से ऐसे देख रहे हैं जैसे घटना उनके आंखों के सामने घट रही हो। तो संजय जो है कहते हैं उनसे धृतराष्ट्र से, इत्यहम वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवाद में मत्सौसम अद्भुतम रोमहर्षणम्। कहते हैं हे राजन वासुदेव महात्मना वासुदेवस्य पार्थस्य च इति अहम संवादम इमम संवादम अश्रौषम। मैं भगवान महात्मा वासुदेव और पार्थ के उस संवाद को मैंने सुना। वह संवाद कैसा है? अद्भुत संवाद है और रोमहर्षण रोमांचकारी संवाद है, जिससे जितने प्रकार के संदेह होते हैं, जितने प्रकार के मन के दोष होते हैं, अंतःकरण के दोष होते हैं, आत्मा के दोष होते हैं, सब के सब नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए रोमहर्षण है, रोमांचित हो जाता है व्यक्ति, मन इतना आनंद प्राप्त होता है और अद्भुत है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति उसको प्राप्त नहीं कर सकता है। तो ऐसे अद्भुत रोमहर्षक रोमों को रोमांच करने वाला ऐसा जो भगवान वासुदेव का और पार्थ का वह संवाद है, उस ऐसे संवाद को हमने सुना उसको, और वो सुन करके आपको हमने बताया। तो ये अद्भुत संवाद वो भगवान का है। और इसके बाद संजय और आगे बोलते हैं कि जो है ये जो हमने सुना है इसमें हमारी कोई बहुत बड़ी जो है योग्यता नहीं है, तो फिर कैसे आपने प्राप्त किया? तो कहा भगवान व्यास के आशीर्वाद से हमको प्राप्त हुआ। व्यास प्रसादा श्रुतवान एतद् गुह्य महम परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः मुखम। तो योगासरात् कृष्णात् साक्षात् स्वयं योगम कथयतः, भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण साक्षात योग को कहते हुए, स्वयं भगवान जो है कृष्ण के द्वारा कहते हुए व्यास प्रसादात भगवान वेद व्यास की कृपा से परम एतद गुह्यम योगम अहम श्रुतवान, यह जो परम गुह्य योग है इसको हमने सुना है, जो भगवान कृष्ण ने पार्थ को सुना है उस योग को हमने सुना है। और आपको क्या बताएं राजन, हम उस संवाद को जब जब भी थोड़ा बहुत हमारे उसका स्मरण करते हैं तो बारंबार हम रोमांचित हो जाते हैं। राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवाद मिदम अद्भुतम केशवा केशाव केशवार्जुन यो पुण्यम दृश्यामि च मुहुर्मुहु। धृतराष्ट्र से संजय कहते हैं कि हे राजन केशवार्जुन यो पुण्यम अद्भुतम इमम संवादम संस्मृत्य। भगवान वासुदेव और अर्जुन के इस अद्भुत पुण्योत्पादक
उस संवाद, इस संवाद को जब हम स्मरण करते हैं तो मोहर मोहो हर्ष्यामि, हम बार बार हर्षित हो जाते हैं उसका स्मरण करके। और हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य था कि भगवान व्यास की कृपा से ये संपूर्ण संवाद, संपूर्ण वो प्रक्रिया हमको देखने का और सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है या हुआ है, जिसको हमने बार बार आपको बताया है। दूसरा क्या है कि तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपम अत्यद्भुतम हरे विस्मयो मे महान राजन हृष्यामि च पुनः पुनः। हे राजन, वो भगवान श्रीमन्नारायण का, श्री कृष्ण का जो अद्भुत रूप था, जिसको हमने उसको देखा है, उसको जब हम स्मरण करते हैं, बारंबार स्मरण करते हैं, तो हमको अत्यंत विस्मय होता है। और साथ साथ हृष्यामि च पुनः पुनः, हम बार बार अत्यंत आनंदित हो जाते हैं, उस आनंद का हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। यद्यपि यहां उल्लेख नहीं है, किंतु जैसा यहां पर संजय का कथन है, इससे यह प्रतीत होता है कि धृतराष्ट्र ने अवश्य प्रश्न संजय से किया होगा कि भैया ये तो ठीक है, परंतु ये बताओ कि दोनों सेनाओं के बीच में, दोनों सामने जो आमने सामने खड़ी हैं, उसमें विजय किसको मिलना दिखाई पड़ता है? क्योंकि हमारी सेना जो है 12 अक्षोहिणी की है, पांडवों की सेना 8 अक्षोहिणी की है, तो जो है नहीं 10 अक्षोहिणी इनकी सेना है, 8 और 8 अक्षोहिणी उनकी सेना है, तो जो बड़ी सेना है उसको विजय प्राप्त होना चाहिए। तो ये बताओ 10 अक्षोहिणी वाली जो हमारी सेना है वो विजय को प्राप्त करेगी, 8 अक्षोहिणी वाली सेना जो पांडवों की वो विजय प्राप्त करेगी? तो यहाँ पर संजय का कथन है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र शीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। उन्होंने कहा कि जहाँ पर योगेश्वर कृष्ण रहेंगे, जहाँ पर धनुषधारी पार्थ अर्जुन रहेगा, वहीं पर विजय श्री वहीं पर रहेगी, वहीं संपूर्ण जितने ऐश्वर्य वहीं पर रहेंगे, और वहीं पर अचल नीति रहेगी, यही मेरा मत है। इस तरह से जो है संजय ने अंतिम इस श्लोक के माध्यम से इस गीता ज्ञान यज्ञ की पूर्णता प्राप्त कराई धृतराष्ट्र को, और इसी के साथ हम लोगों ने भी इस गीता ज्ञान यज्ञ की पूर्णाहुति में अपनी अंतिम आहुति हम लोगों ने प्रदान करके और अपने को धन्य समझा। तो इस प्रकार गुरुजी ने आज गीता के महात्म्य और पूर्णाहुति दी, और जिसमें यह कहा है कि जहाँ भगवान कृष्ण हैं और अर्जुन हैं वहाँ विजय निश्चित है। तो अर्थ यह है कि जहाँ धर्म है और निष्काम कर्म है वहाँ विजय निश्चित है। तो इस प्रकार आज पूर्णाहुति हुई, और अब हम लोग आगे गुरु जी के आदेशानुसार जो भी होगा उसके ऊपर वीडियो को प्रचारित करेंगे, जैसा गुरु जी का आदेश होगा। आप सभी को ईश्वर सुखी प्रसन्न और आनंदित रखें, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।